Hello, student. Welcome to e learning class. EVS class first, lesson 5 question answer. Question answer question number 1 How? H O W, how? Many, M A N Y, many, many means K, members. एम ई एम बी ई आर एस मैंबर्स मेबर्स मी सदस्य आर ए आर इ आर देयर टी एच ई आर ई देयर एन आई एन 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 मीस मै यूअर, आर वाई ओ यू आर यू फैमिली फैमिली means फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली फैमिली means परिवार हाउ many मेंबर्स आर देयर in your फैमिली आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये स्टूडेंट्स इसका आंसर अलग अलग हो सकता है आप सभी का जैसे किसी की फैमिली में किसी के हाउस में सिक्स रहते हैं किसी में फाइव है किसी में फोर है या किसी के में ज़्यादा है ओके इसमें आपको क्या करना है आपके हाउस में कितने लोग रहते हैं काउंट करना है जैसे ग्रांड फादर ग्रांड मदर फादर मदर ब्रदर सिस्टर ओके okay. कि अब मैम ने तो यहाँ क्या लिख दिया सिक्स लिख दिया आप अपनी हाउस में जितने मेंबर्स रहते हैं वो काउंट करके लिख सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ मैनी एम ए एन वाई मैनी ब्रदर्स बी आर ओ टी एच ई आर एस ब्रदर्स ब्रदर्स मीन भाई एंड ए एंडी एंड एंड मीस और सिस्टर्स एस आई एस टी ई आर एस सिस्टर्स सिस्टर्स मीन बहने डू डी यू डू यू वाई ओ यू वाई ओ यू यू हैव एच ए वी ई हैव हाउ मैनी ब्रॉदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव आपके कितने ब्रदर और सिस्टर हैं आपके कितने भाई और बहन हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकता है जैसे आपके वन ब्रदर है तो किसी के टू भी हो सकते हैं है। मैम ने यहाँ पर क्या लिखा है वन ब्रदर एंड वन सिस्टर आपके जितने भाई हैं आपको वो लिखना है जितने सिस्टर हैं वो वही लिखनी है ओके okay, बट क्या याद रखना है वन है तो ब्रदर अगर वन से ज़्यादा है टू मीन्स अगर किसी के ब्रदर टू हैं तो टू तो क्या आ जाएगा ब्रदर्स एस आ जाएगा अगर ब्रदर या सिस्टर वन से ज़्यादा है, तो वन है तो ओनली ब्रदर सिस्टर अगर वन से जाते हैं तो एस पीछे लगेगा ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वट डब्ल्यू एच ए टी वट वट मीन्स क्या एज आई एस इज आ जॉइंट जे ओ आई एंडी जॉइंट ज्वाइंट में संयुक्त फैमिली वट इज़ अ जॉइंट फैमिली वट इज़ अ जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली क्या होती है आंसर ग्रांड पेरेंट्स दादाजी दादी जी जी आर ए एंडी ग्रांड P A R E N T S parents, grandparents. Parents P A R E N T S parents. Parents mean mother, father. Children C H I L D R E N children. Children means bache. Uncle U N C L E S uncle. Aunt A U N T S aunts.

G E T H E R together live together live together means साथ में रहना जॉइंट फैमिली कौन सी फैमिली होती है स्टूडेंट जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी दादी जी पेरेंट्स मदर फादर चिल्ड्रन मीन्स बच्चे अंकल आंट्स और कज़न साथ में रहते हो लिव टुगेदर साथ में रहते हो वो कौन सी फैमिली होती है जॉइंट फैमिली नेक्स्ट क्वेश्चन Ford, who, w H O who? R A R E R. Relatives. R E L A T I V E S. ई एस रिलेटिवस sambandhi. लेटिस कौन होते हैं जिनसे हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है कोई संबंध होता है तो संबंधी कौन होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स से क्या होते हैं हमारे रिलेटिव्स, जैसे हमारी मदर से हमारे रिलेशन होता है डॉटर मदर का सन फैमिली में हर मेंबर से हमारा क्या होता है संबंध होता है रिलेशन होता है तो रिलेटिव्स कौन होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, ओके तो आंसर है मेंबर्स एम ई एम बी ई आर एस मेम्बर्स मेम्बर्स में सदस्य है ऑफ एफ ऑफ आ फैमिली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हमारे संबंधी कौन होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स ओके किसी से तो हमारा कोई हमारा किसी से हमारे चाचा हो लगते हैं कोई हमारे फादर लगते हैं कोई हमारी मदर लगती हैं कोई ग्रैंड फादर लगते हैं तो हमारे क्या होते हैं सभी संबंधी तो वो आर रिलेटिव्स मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली ओके स्टूडेंट्स आपको भी ये क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में फिर करने हैं ओके बाय टेक केयर